मध्य प्रदेश सहित राजस्थान व छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कई विरोधी दलों व संगठनों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे और अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विरोध के ऐसे स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। इधर मत देखो, कैमरा फेस मत करो यार। अरे आपके द्वारा क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ईवीएम मशीन को लेकर आज इंदौर राजवाड़ा पर? जी सर, हमारे द्वारा भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा देश के 31 राज्यों में 550 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री फेयर ट्रांसफर चुनाव नहीं होता, यानी कि बेईमानी से चुनाव होता है, वो की चोरी होती है। ये चोरी रोकने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं ईवीएम मशीन हटाने के लिए। क्या आपके इस प्रदर्शन से सरकार को या केंद्र को ये बात पूछी अभी तक की लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है और हमको विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। एक देश के अंदर राजनीतिक संगठन है आरपीएम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, उसके अंदर 76 पार्टियां शामिल है, उनका हमको समर्थन मिल रहा है। और यही नहीं, देश के 31 राज्यों में 550 जिलों में समर्थन मिल रहा है, मगर ये समर्थन इतने कम दिख रहा है कि मीडिया जो है, जो राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और राष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कवरेज नहीं कर रही है। आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के मीडियाकर्मी होने के बावजूद भी जो उनको काम करना चाहिए वो आप काम कर रहे हैं। आज आपके पास क्या अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर? ये ईवीएम मशीन के विरोध में जन आक्रोश चलाया जा रहा है और अंतर से अभियान चलाया जा रहा है देश के 31 राज्यों में 550 में। 10 और 11 फरवरी को 2 दिन का था और ये आंदोलन चलने के बाद में अगर देश का चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करने के बाद में भी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नहीं मानता है ईवीएम मशीन हटाने के लिए काम नहीं करता चुनाव आयोग, तो हम 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन हम खोलने वाले भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा। ये पीछे एक बैनर लगा है, क्या कॉन्सेप्ट है ये? ये बैनर का भारतीय युवा मोर्चा, जिसमें एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी व बेरोजगार जो साथी होते हैं उसका संगठन है, और उसका संगठन, उस संगठन का मकसद यही है देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, आदर, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। क्या इसका सिग्नेचर कराया जा रहा है? जी, ये सिग्नेचर इसीलिए कराए जा रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, जो आज लोकतंत्र ईवीएम मशीन ने खत्म कर दिया है, और ईवीएम मशीन खत्म करने, जो हमारा वोट है, वोट की वजह से ही लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र में वोट का ही वैल्यू होता है, वोट का वैल्यू आज ईवीएम मशीन से जीरो कर दिया है, वो चीज हमारी बनी रहे, इसलिए हम ईवीएम मशीन को लोकतंत्र। इसको आप सिग्नेचर जिसका आप करा रहे हैं इसको आप कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे इसका? ये माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप ही ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चुनाव नहीं होता है, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि देश की 99% जनता आपके फैसले का सम्मान करती है और इसके विरोध में आंदोलन करती है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोलंकी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारत मुक्ति मोर्चा का, इंदौर।